चलो चैप्टर नंबर 9 रेशनल नंबर्स, उसमें एक्सरसाइज 9.1 पेज नंबर है 182 क्वेश्चन नंबर वन में पूछा है लिस्ट 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन, ठीक है, उसमें जो भी नंबर्स दिए हैं उसके बीच के 5 रेशनल नंबर्स हमें लिखने हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है -5 है 0 एंड 0, राइट, इन दोनों के बीच में 5 रेशनल नंबर हमें लिखने हैं, ठीक है। तो रेशनल नंबर कौन से होते हैं? तो रेशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जो p / 2 की फॉर्म में होते हैं, राइट। लेकिन ये जो नंबर्स अभी दिए वो आपको सिर्फ सिंगल ही दिख रहे हैं, राइट, अपॉन में डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, राइट। तो जो भी नंबर इस तरह से हो उसके डिनोमिनेटर में अभी क्या है सामान्य का? अभी इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, तो जहां कुछ नहीं होता वहां क्या समझने का? कुछ नहीं होगा, अपॉन में 1 समझने का, ठीक है। जैसे कोई भी नंबर है, जैसे कि 7, ठीक है, अब उसके अपॉन में कुछ नहीं है तो क्या समझने का होता है? तो ऐसे इसे कोई भी अपन में नंबर में 1 समझने का होता है, राइट। और ये सेकंड नंबर क्या है? 0 है। अब इसके अपन में भी कुछ नहीं है तो क्या समझेगा? 1। अब हमें क्वेश्चन में पूछा क्या है, इन दोनों नंबर के बीच के 5 रेशनल नंबर हमें लिखना है, ठीक है, -1 एंड 0 के बीच में 5 रेशनल नंबर। तो आप वो कैसे लिखोगे? तो देखो क्या करेगा, 5 पूछ है ना, ऐसे कोई परफेक्ट ऐसा नहीं है, ठीक है, आप बीच में बहुत सारे नंबर्स होते हैं पर आपने को जितने चाहिए ना उस देखो कितने नंबर्स चाहिए हमें, 5 चाहिए ना, तो आपने को क्या करना उसमें एक प्लस कर दियो, 5 चाहिए ना, तो 5 + 1 कितना होता है? 6, ठीक है, ये अपना एन हो गया, क्या हो गया? एन, जितने नंबर पूछे जितने 5 पूछे तो उसमें 1 ऐड कर लो, लिखने को अगर मान लो 7 बीच के नंबर पूछे हो तो उसमें 1 ऐड कर देते, क्या हो जाएगा? 8 सर, वैसे 2 करना है, 3 करना है, 4 करना है, 5 करना है, हां जितने मांगे हो ना उसमें एक और ऐड कर लो, राइट। चलो अब ये क्या है? 6, राइट। तो अब ये जो 1/1 था ना उसके अपन में 6 रख दो, क्या करो? 6, मतलब इन दोनों को 6 से मल्टीप्लाई करने का, ये -1/1 है ना उसको मल्टीप्लाई करना है 6 से, यहाँ भी 6 से और नीचे भी 6 से, ठीक है। हाँ तो ये क्या होता है, -1 × 6 तो -6 और 1/6 तो 6, ठीक है। अब ये क्या है, 0/1 बराबर, तो 0/1 आप इसको भी 6 से मल्टीप्लाई कर लो, नीचे भी 6 से और ऊपर भी 6 से, तो 0 × 6 तो 0, 1 × 6 तो 6, बराबर लिख लेना, ये काम है तो, हाँ ये बता लिखना ही है ना, एक क्वेश्चन तो करना है। तो देखो अब ये जो नंबर आया -6 है 0/6 बराबर, मतलब ये जो नंबर है ना जो 1/1 था 0, ये अभी ये बन गया है, क्या बन गया है? 6/6। हाँ ये नंबर बन गया है -6/6 -6/6 और ये 0 जो है ना 0/1 वो बन गया है 0/6 बराबर। अब इन दोनों के बीच में कौन कौन सा नंबर आ गया? तो देखो -6 इसके बाद क्या आता है इस तरफ -5 इसके बाद -4 मतलब आप ऐसा नहीं कि मल्टीप्लाई अपन में 6 ही लेना है, अपन में मान लो अगर आप 10 भी लेते तो भी चलता, अपन में अगर 10 लेते तो यहाँ भी 10 से मल्टीप्लाई कर दे, वहाँ भी 10 से, एनिवर्सल सर
अब इसको ना थोड़े और अच्छे से लिखो, मतलब इस तरह से लिखोगे ना तो पूरा मतलब पेज ही भर जाएगा। देखो कितने एन, क्या करना, फाइव नंबर बना तो फाइव प्लस वन ऐसा लिखो बराबर, तो एन हो गया सिक्स। अब ये माइनस वन को है ना कि अब ये जो नंबर आए ना उसको इनसे मल्टीप्लाई कर देना, ये माइनस वन है ना तो ये माइनस वन नहीं पढ़ा जाएगा, अब अभी तो क्या पढ़ा जाएगा अपन में भी वन बराबर, और सेकंड नंबर जो है वो क्या है जीरो, अब ये जीरो नहीं पढ़ा जाएगा, ये अपन में क्या पढ़ा जाएगा वन ठीक है। अब इन दोनों को किससे मल्टीप्लाई करना है, सिक्स से, जो एन आया ऊपर भी सिक्स से करो नीचे भी सिक्स से, इसी तरह यहाँ भी ऊपर भी सिक्स से नीचे भी सिक्स से, लगाया था मतलब ये जो नंबर सिक्स के नीचे, और किसके नीचे सर, एक ही नंबर है तो हमें सर माइनस सिक्स आएगा फर्स्ट में, हाँ तो वन इनटू सिक्स आप सिक्स ही होगा ना, तो इसके बाद वन इनटू सिक्स जीरो इनटू सिक्स जीरो और अपन वन इनटू सिक्स सिक्स। अब इन दोनों के बीच में जो नंबर है ना, इन दोनों के बीच में जो नंबर आते हैं वो हमें लिखना है, तो ठीक है। अब इसको यहाँ लिखो फाइव रेशनल नंबर, फाइव ठीक है, जो इन दोनों के बीच में आते हैं वो कौन से रहेंगे, तो माइनस सिक्स के बाद माइनस फाइव अपॉन सिक्स, माइनस फोर अपॉन सिक्स, माइनस थ्री अपॉन सिक्स, माइनस टू अपॉन सिक्स एंड वन टू थ्री फोर एंड माइनस वन अपॉन, ठीक है इस तरह से। वो ज्यादा अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है, थोड़ा प्रेजेंटेशन अच्छा दिखे ऐसा कोशिश कर। अब देखो या मैंने अब से इसमें क्या कि आपने को जितना चाहिए उतना ही मिलते, अब मान लो अगर अपन में आप 10 भी ले सकते हो, कोई भी नंबर ले सकते हो ठीक है, आंसर अलग अलग आएंगे आंसर, क्योंकि बीच में बहुत सारे नंबर्स होते हैं, कोई भी दो नंबर के बीच में, सुनो कोई भी दो नंबर के बीच में बहुत सारे नंबर होते हैं अनलिमिटेड, इसलिए सेम आंसर आएंगे ऐसा नहीं होता, तो हमें कोई भी पांच लिखना। हाँ अब सेकंड में देखो माइनस टू एंड माइनस वन है, कौन करेगा यही वाली मेथड से करना, आप दूसरी भी कर सकते हो, और अभी है ना क्योंकि आपको आया कि नहीं आया वो मेरे को समझना है बराबर। फाइव नंबर ढूंढने ना फाइव रेशनल उसमें वन ऐड कर दो, इससे सिक्स ही रहेगा सब में, ये सारे क्वेश्चन में सिक्स ही होगा ठीक है, फाइव प्लस वन सिक्स नंबर। अब सिक्स से मल्टीप्लाई करो, सिक्स टू दन इंटू सिक्स सिक्स और सेवन है ना, वन है ना सेकंड वाला कर रहे हो ना, माइनस वन है देखो, सॉरी सर मैं सेवन कर दिया, सिक्स से मल्टीप्लाई करो पर अपन में आप क्या कर सकते मल्टी जी जी जी
टू क्यों लिखा है? तो क्या ये तो माइनस टू है ना, माइनस अपॉन में वन लिखना है ना, टू अपॉन में सब में वन ही है। अगर सिंगल नंबर है इसलिए देखो ये वाले नंबर में तो अपॉन में कुछ नहीं है, इसलिए यहाँ कोई दिक्कत नहीं, पर ये नंबर जो है उसमें अपॉन में कुछ नहीं है, तो क्या समझ नहीं का होता इधर भी करता हूँ ताकि आपको क्या ये हो माइनस टू है माइनस वन है ना, तो देखो अभी इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या समझ लेगा माइनस टू बाय वन और ये माइनस वन है उसके नीचे भी कुछ नहीं है तो क्या समझ लेगा वन, ठीक है। अब अपने को कितने रेस्ट नंबर चाहिए? फाइव। अब फाइव प्लस वन कितना होता है? सिक्स। तो इसको सिक्स से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर भी और नीचे भी बराबर, तो टू सिक्स आर ट्वेल्व, वन सिक्स आर सिक्स, सिक्स और सिक्स हुआ। अब इन दोनों के बीच में फाइव रेशनल नंबर माइनस ट्वेल्व के बाद इस तरफ माइनस इलेवन फिर माइनस टेन माइनस नाइन बाय सिक्स माइनस एट बाय सिक्स माइनस सेवन बाय सिक्स हो गया ना। देखो ऐसे इन दोनों के बीच में आ रहे बराबर सर, रुको ना आठ में देते हैं सर, अब थर्ड सिखाओ ना। हाँ हाँ कर दो सर, रुको ना नहीं ऐसे करो सब सही करवा देते हैं, मुझको तो कुछ करना नहीं है। लेकिन तू तो कौन सोच रहा है ये मुझको वाला सब अगर मैं भी दूसरा नहीं किया माइनस फोर बाय फाइव कुछ नहीं हो वो सकता एंड माइनस टू बाय थ्री, ठीक है। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे अलग नंबर है और यहाँ पे भी अलग नंबर है, तो पहले है ना दोनों में सेम नंबर देने का, ठीक है, मतलब एलसीएम लेना है। तो फाइव और थ्री का एलसीएम क्या होगा? क्या फाइव एंड थ्री का एलसीएम? तो यहाँ फिफ्टीन लाना हो तो इसको फिर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सर, फाइव एक मिनट मैं एक सेकंड सर, फाइव एक सेकंड एक मिनट के लिए रुको सर, सिक्स एक कोई लिखना मत कर। वो वाला कर लो ये मत कर नहीं होगा सर, सर एलसीएम चाहिए। हाँ एलसीएम चाहिए पहले समझ तो लो। देखो अब फाइव एंड थ्री में एलसीएम क्या बोला? फिफ्टीन, राइट? तो फिफ्टीन लाने के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? थ्री से, तो ऊपर भी टू थ्री, फिर यहाँ पे फिफ्टीन लाने के लिए फाइव से, तो ऊपर भी फाइव फाइव से, तो ये अब नया नंबर बनेगा फोर थ्री जा तो ये एक नया नंबर बना, राइट? अब इन दोनों के बीच में कितने रेशनल नंबर चाहिए आपको? पांच। पांच।
तो किससे मल्टीप्लाई करना, एक ज्यादा नंबर 5 प्लस 1 6, तो दोनों को किससे मल्टीप्लाई कर दो, 6 से ऊपर और नीचे, अभी से वो ही मेथड यूज करो, हां 6 से मल्टीप्लाई, बराबर, हां आप देखो, आप देखो, 72 माइनस वाला 15 वाला और 15 बराबर। अब देखो, अब इन दोनों के बीच में एग्जैक्ट फाइव ही चाहिए ना, तो माइनस 71 72 से पहले क्या आएगा, 71 माइनस 70 चाहिए ना, तो 1 2 3 4 5 लिखते ना सर, हाँ ये सर ऊपर ये तो ने जो मेथड किया था वीडियो तो लाइन किया, ऊपर वाले में उससे कम नंबर होते जाएंगे और नीचे वाले में जो अपॉन के नीचे होगा ना वो सेम का सेम ही रहेगा। हां बहुत सही, वो ऊपर आएगा सर, अपने को इन दोनों के बीच में चाहिए ना, क्या गलत है, गलत है, सुनो इसमें कुछ गलत और सही नहीं रहा, इसमें वो बहुत सारे नंबर होते हैं, हेलो इसमें बहुत सारे नंबर होते हैं, कौन सा है ये, तो फर्स्ट में भी आपने को फर्स्ट वाला तो सेम ही आया हुआ, सेकंड वाले में मतलब देखो इसमें बहुत सारे बीच में अलग नंबर होते हैं, तो ये मतलब पर्टिकुलर कमर नहीं, मतलब कोई ऐसे की 6 से ही मल्टीप्लाई करो, आप 10 से चाहो तो 10 से भी कर सकते हो, हेलो देखो जैसे कि ये 4 अपॉन 5 है ना, सुनो रेशनल नंबर में ऐसा कुछ होता नहीं, मतलब जो बीच में जो सारे नंबर होते बहुत सारे होते हैं लिख सकते, बस बीच के पास आने चाहिए जो भी, मतलब देखो वो भी बीच में होने चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई अलग नंबर लिख दो आप, जैसे कि ये 4 अपॉन 5 है बराबर पहला, और सेकंड क्या था 2 अपॉन 3, अब मैंने जैसा 6 से करा है ऐसा आप अगर चाहो तो पहले डिनोमिनेटर सेम करके इसके बाद आप चाहो तो 10 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, अभी देखो एलसीएम आके क्या नंबर बन गया था, ये एलसीएम लेके क्या बन गया था, 12 अपॉन 15 था, ये बन गया था माइनस 12 अपॉन 15, और ये क्या बन गया था माइनस 10 अपॉन 15 बराबर। अब आप अगर चाहो तो 10 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, किससे ऊपर और नीचे 10 से भी चाहो तो मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है, तो देखो ये क्या हो जाएगा 12 इनटू माइनस 120 और ये माइनस 150 और ये माइनस 100 और ये 150 बराबर, तो इन दोनों के बीच में भी लिख सकते हो आप, फिर लिख सकते, समझ गए, यस सर, तो वो भी सही है, यस सर, तो वो जो आपने पहले लिखा है ना वही सही है, मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि बहुत सारे नंबर्स होते हैं, हाँ सर, सर बीच में कोई भी फाइव लिखो, हाँ बीच में कोई भी फाइव चाहिए आपको, हाँ सर तो लिखने दो ये 4 जो आपने 70 वो वाला लिखो, तो सर नीचे वाला रफ कर दो ना, हाँ सर वो एक्स्ट्रा में लग रहा है, देखो जब आपने ये चीज देखा, देखो ये जब ये नंबर जब हो गए ना, जब हमने एलसीएम लिया तो आपने 15-15 आ गया था, अपने इन दोनों के बीच में भी लिख सकते थे, तो कितना माइनस 11 एक ही नंबर होता ना,
इन दोनों के बीच में कितना नंबर होता माइनस इलेवन अपन फिफ्टीन एक ही आता ना तो एक ही अपने को तो पाँच चाहिए इसलिए और कुछ ज्यादा नंबर चाहिए इसलिए और कोई दूसरे नंबर के लिए भी हमने नंबर समझ लिया हाँ वो तो चलो आप क्वेश्चन नंबर वन में फोर्थ वो करना है सर वो करेगा फोर्थ वाला कर रहे हो कर तू फोर्थ वाला बाकी वो कंप्लीट करो पहले ब्लैकबोर्ड पे कर तू आप ये और जीत लो अच्छा ये सर 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 ये सेकंड नंबर टू बाय थ्री है
तो यहाँ सिक्स लाने के लिए भी समझ लगना पड़ेगा। ऊपर की टू से टू टू जा फोर और नीचे से बैठना। मैं तुझे बोल बस